तो कैसे हैं आप? क्या आपको याद है कुछ दिनों पहले हमने एक कहानी पढ़ी थी जिसका शीर्षक था दान का हिसाब। जी हाँ, जिसमें दान का हिसाब किया गया था। आज हम उसी कहानी पर आधारित एक खेल खेलने वाले हैं। क्या आपको वह कहानी अच्छे से याद है? क्या उसकी सारी संवाद आपको अच्छे से याद है कि किसने कहा था? तो आज जो हम खेल खेलने वाले हैं वह है किसने किससे कहा। तो अब इस खेल में मैं आपको एक-एक पंक्ति दूंगी जो कि ली गई है उसी कहानी से, जो जिसका शीर्षक है दान का हिसाब। तो दान के हिसाब से कुछ संवाद मैंने लिए हैं। अब आपको बताना है कि वह संवाद किसने कहे हैं और किससे कहे हैं। तो पहला संवाद है, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। तो चलाइए दिमाग, दौड़ाइए अपना दिमाग और बताइए कि यह संवाद, यह पंक्ति किसने कही थी और किससे कही थी। फिर से पढ़ दूं एक बार, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। तो यह पंक्ति कही थी, जी हाँ, यह पंक्ति कही थी राजा ने। किसने कही थी? राजा ने। और कही किससे थी? क्या आपको याद है यह पंक्ति किससे और कब कही गई थी? यह पंक्ति तब कही गई थी जब राजा को खबर मिली थी कि अकाल पड़ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम कि यह पंक्ति राजा ने कही थी। उन्होंने यह तब कहा था जब उनके पास अकाल की खबर पहुंची थी। तो जब राजा को पता चला कि उनके देश में अकाल पड़ रहा है और बहुत से लोग वह जानवर मर रहे हैं, तो उनको उनका यह कहना था कि यह तो भगवान की मार है, इसमें वह कुछ नहीं कर सकते। तो पहली पंक्ति यह थी। चलिए चलते हैं दूसरे संवाद की ओर, जो कि है, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके। अब यह पंक्ति किसने कही और किससे कही? तो यह पंक्ति कही थी प्रजा ने। जी हाँ, प्रजा में से एक इंसान ने यह पंक्ति कही थी। पर कही किससे थी? कही थी महाराज से, यानी कि राजा से। वह गुहार मांगने आए थे कि जरा सी मदद कर दे ताकि वह दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके। तो यह पंक्ति प्रजा ने राजा से कही थी। यह संवाद किसका था? प्रजा का था। और किससे कहा गया था? राजा से कहा गया था। चलिए बढ़ते हैं अब अगली पंक्ति, यानी कि अगले संवाद की ओर, जो कि है यह, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। तो इस संवाद में ही पता चल रहा है कि यह किसने कहा था। क्या आपको समझ आया कि यह किसने कहा था? तो यह संवाद कहा था सन्यासी ने। जी हाँ, जो कि आया था क्या लेने? दान लेने आए थे ये महाराज सन्यासी जी। और किससे लेने आए थे? जी हाँ, महाराज से, उस देश के राजा से लेने आए थे। तो यह संवाद किसने कहा? यह पंक्ति किसने कही? तो यह पंक्ति सन्यासी ने राजा से कही थी। किसने किससे कही थी? सन्यासी ने राजा से कही थी। अब आते हैं अंतिम संवाद की ओर, जो कि है, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। जी हाँ, किससे तुलना कर दी महाराज की? कर्ण, दानवीर कर्ण से। और यह किसने कहा था? सारी प्रजा ने, यानी कि यह पंक्ति आखिर में सभी देशवासियों ने आपस में कही थी जब राजा ने मदद करने के लिए हाँ कर दी थी, जब सन्यासी ने उनको उनके ही जाल में फंसाकर बहुत सारा धन इकट्ठा करने पर मजबूर कर दिया था, तो उन्होंने उस वचन से बचने के लिए, मदद करने के लिए हाँ कर दी थी। तो यह पंक्ति तभी कही गई थी जब राजा ने मदद कर दी थी, और यह कही थी सभी देशवासियों ने आपस में। तो यह पंक्ति आखिर में सभी देशवासियों ने आपस में कही थी। तो यह थी वह सारे संवाद, और यह था वह खेल जो कि था किसने किससे कहा। अब यह खेल आप अपने दोस्तों के साथ भी खेलिए। कोई भी संवाद उठाइए और उनसे पूछिए कि कहानी में यह संवाद किसने किससे कहा था। तो आप
इस खेल को रखिए जारी। हम मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।